नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रोहित बिसाई और आप देख रहे हैं युग वाणी टाइम्स। हमारे साथ मौजूद हैं जो अभी अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में ST ST यूनियन के प्रेसिडेंट बने हैं मनोज कुमार सर जी। आइए उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर, और जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो सर क्या कहेंगे कि किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा था और कितनी चुनौतियाँ रहने वाली हैं इन समस्याओं को सुलझाने के लिए? चुनौतियाँ हमारी अलग तरह की चुनौतियाँ होती हैं। हम ST ST का एक अलग तरह का कई सारी समस्या होती है, तो चुनौतियाँ बहुत सारी हैं अभी और हम प्रयास करेंगे कि उन चुनौतियों को एक्सेप्ट करें और कर्मचारी को हित में अपनी तरफ से पूर्ण समर्पित होकर कार्यक्रम करें। जितने भी कार्य होंगे पूरा प्रयास करेंगे कार्य करने का। ST ST जो लोग हैं उनको उनकी जो पदोन्नति में जो समस्या आती है उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत सारे साथी ऐसे हमारे जिनकी जो एक सबसे बड़ी समस्या हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर रोस्टर की होती है, और रोस्टर को लेके विश्वविद्यालय ने बहुत अच्छा हथियार अपना रखा है। वो आपस में एक दूसरे कर्मचारी को कर्मचारी से लाती है, क्या मान लेकर रोस्टर के माध्यम से, रोस्टर की वजह से आपकी प्रमोशन नहीं हो रही, रोस्टर को लेके मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ, रोस्टर को लेके मैं आपकी ये जो है जितनी भी प्रमोशंस हैं मैं वो नहीं कर पा रही हूँ कर पा रहा हूँ, इस तरह से ये लोगों ने एक रोस्टर को ना बदनाम कर रखा, मैं जहाँ तक समझता हूँ। जबकि रोस्टर क्या है, देखो बाबा साहब ने एक संविधान बनाया, उस संविधान के तहत रोस्टर है, और रोस्टर देश आज़ाद हुआ 47 के अंदर, संविधान बना 1950 के अंदर, रोस्टर का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर 40 साल बाद, और उसके अंदर भी कई कॉलेजों में आज तक रोस्टर ठीक से नहीं लागू हो पाया है। तो हम ये कहते हैं कि सारे कर्मचारी वर्ग हमारा रोस्टर जिसका जो हक है वो कहता है उसको उसका हक दो। हमारा भी ये कहना है कि सारे हमारे साथी हैं, सब कर्मचारी हैं, हमारी एक ही जाति है वो है कर्मचारी, तो जिसका जिसका जिसको जहाँ मिलता है SC का ST में दे दो, ST का ST में दे दो, OBC का OBC को दे दो, जिसका जहाँ हक बनता है जनरल का जनरल को दे दो, जिसका जहाँ हक बनता है उसको उसका हक दे देना चाहिए, हम ये मानते हैं। हमारे तो यही कहना है हमारा। और देखो हम जब इलेक्शन जीत कर आए शुरू में तब भी हमने ये मुद्दा रखा, हमने थोराड़ साहब को यूनिवर्सिटी में बुलाया, थोराड़ साहब UGC के चेयरमैन हुआ करते थे उस समय में, आकर वो यूनिवर्सिटी को 100 करोड़ रुपया देके गए थे, और बहुत सारे IPS कैडर उनके साथ आया था, VC साहब पेंटर साहब हुआ करते थे, उन्होंने अपने मुख से बोला कि भाई मैं नहीं बुला पाया, आपने थोराड़ साहब को बुला लिया, तो एक प्रभाव पड़ता है अथॉरिटी के ऊपर, एक इम्प्रेशन जाता है, उस इम्प्रेशन का हमने फ़ायदा उठाया। उस समय में हमारे 67 लोग जो अनुकंपा के आधार पर थे उनको पक्का करवाया, और 67 के बाद 67 के बाद हमने 21 लोगों को और पक्का करवाया, और आप तो कहते हुए मेरे को बड़ा खुद शर्म सी आ रही है कि जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनको सीवर के अंदर सफाई करने के लिए उनको उतारा जाता है, वो उसमें उतरे और उसके अंदर उनकी दो सफाई कर्मचारियों की हत्या हो गई, मर गए, हमें तो हत्या क्या हुआ, आपने उतारा उनको, वहाँ पर गए वो उनकी जो है वही एक्सपायर कर गए वो, और हमारी संस्था ने फिर VC साहब को बताया कि भी ऐसे ऐसे करके आपके एम्प्लाई दो एम्प्लाई एक्सपायर हो गए। VC साहब ने तुरंत उस विषय को संज्ञान लिया और उन्होंने 10-10 लाख रुपए दोनों परिवारों को दिया और उनके परिवार से एक जन को उन्होंने नौकरी दी। तो ये सब किसके दम पर हुआ, ये सब संस्था के दम पर हुआ, ये सब संगठन के दम पर हुआ, ये सब कर्मचारी के दम पर हुआ। तो हमारी सबसे बड़ी जो जाति हमारी वो है हमारी जाति कर्मचारी जाति। मैं फिर ये कहूँगा आज भी हम यही कहते आए हैं कि जिसको जिसका हक है वो उसको मिलना चाहिए, चाहे वो अनुकंपा आधार पे है, चाहे वो प्रमोशन के लिए है, चाहे वो रोस्टर के आधार पे है, जिसका हक बनता है उसको दे दो भाई, हमको मिलता क्या है। अब देखो आप 30 साल की सर्विस करेंगे हम तब जाके हमारे को 10-10 करके 3 इंक्रीमेंट मिलेंगी, 3 प्रमोशन मिलेंगी, साल भर के अंदर हमारे को 1 इंक्रीमेंट नहीं मिलती है, और उसके बाद हमारे को 2 हमारे को जो है DA मिल जाते हैं, ये तो हमारे को मिलता है जीवन भर में, और क्या मिलता है हमारे को पूरी लाइफ के अंदर, और उसमें भी एक व्यक्ति पिछले 10-10 साल 20-20 साल हो जाते हैं उसको, और उसको बेचारे को उसी कैडर के अंदर रहता है, जब उसके कैडर चेंज की बात आती है तब ये रोस्टर की टांग अड़ा देते हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि रोस्टर को हवा मत बनाओ, निवेदन है आपसे, बाबा साहब ने संविधान बनाया है उसी के तहत रोस्टर बनाया है, रोस्टर के तहत जितने विश्वविद्यालय कर्मचारी हैं जिनका जो हक है उनको दिए जाओ, वो आपके पास क्यों आएगा, वो आपसे क्यों लड़ने के लिए आएगा बेचारा, जब उसको उसका हक
मजदूर को यदि उसका पसीना सूखने से पहले उसको मजदूरी मिल जाए, वो मजदूर कभी भी विद्रोह नहीं करेगा, वो आपके लिए सदैव आपके लिए तत्पर रहेगा। और अपने अरे गरीब आदमी तो उसको एक बार प्यार से बिठाओ तो सही, वो तो आपको अपना सर दे देगा, इतना उसके अंदर जज्बा होता है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि भाई जिसका जो हक है वो उसको दे दो, आप कुछ नहीं है हुआ मत बनाओ, रोस्टर 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 कर गए। निवेदन करेंगे हम तो कि भाई उसका जिसका हक है वो उसको दे दो, और क्योंकि आने वाला समय है उस समय के अंदर जिसको जो हक है, क्योंकि फिर लड़ाई होगी तो वो अच्छा ही लगता है, अथॉरिटी के साथ बैठ के मुंहजोरी हो, अथॉरिटी के खिलाफ हाई हो तो वो अच्छा ही लगता, वो भी हमारे अधिकारी हैं उनका भी सम्मान होना चाहिए, परंतु जो कर्मचारी है उसका भी सम्मान होना चाहिए। चाहे जिस कॉलेज के अंदर एक सफाई कर्मचारी है उसका भी उतना दायित्व बनता है जितना एक प्रिंसिपल का उस कॉलेज को चलाने के लिए दायित्व बनता है। वीसी साहब है पूरी यूनिवर्सिटी को चलाने का, वीसी साहब का जितनी जिम्मेवारी है उतनी एक सफाई कर्मचारी की भी जिम्मेवारी है, उसका भी उतना दायित्व बनता है। तो सर सब अपने अपनी योग्यता के आधार पर है, तो उनको उसके हिसाब से उसको अगर उसका वेतन मिलता रहे, उसको उसका श्रम को उसका जो श्रमदान दे रहा है उसको उसका श्रमिक को उसका वेतन उसको समय से मिलता रहे, तो वो क्यों आपके मुँह उठाएगा? उसको पदोन्नति समय मिलती रहे वो आपसे क्यों विद्रोह करेगा? तो आपके लिए काम करने को तैयार है। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई जो जिसका हक है उसको दे दो, स्मूथली सब कुछ चलता रहेगा, ये ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कोई भी यूनियन की। किसी यूनियन कौन बनवाता है? यूनियन आप लोग बनाते हो। यूनियन का मतलब क्या है? कोई सारे तो जाके बात नहीं करेंगे ना जी, सिलेक्शन किया जाता है, वो नुमाइंदे बनाए जाते हैं साथियों के माध्यम से, वो जाके उन साथियों की बात रखते हैं ताकि अथॉरिटी के और कर्मचारी के बीच में जो संवाद है वो कंटिन्यूस होता रहे, और जिससे कि आपस में टकराव ना हो। टकराव दूर करता है यूनियन, टकराव दूर करता है जो बीच में जो आपके जिनको आपने पदाधिकारी बनाया, वो अथॉरिटी के बीच की वो कड़ी होती है, उस कड़ी को मजबूत करना चाहिए। और मैं यही निवेदन करूँगा अपनी अथॉरिटी से भी कि सर जो ये कड़ी बनती है, जो एक संवाद होता है जिनके माध्यम से, उनके संवाद को आप सुनिए और कर्मचारी के हित में कार्य कीजिए, क्योंकि जाना सबको है। पिछले 32 साल हो गए यूनिवर्सिटी के अंदर, मेरे को बड़े सारे वीसी आए, बड़े सारे वीसी चले गए, बड़े सारे प्रिंसिपल आए, बड़े सारे प्रिंसिपल चले गए, बड़े सारे कर्मचारी है, कर्मचारी चले गए, तो जाना सबको तय है। तो कुछ ऐसा करके जाओ कि लोग आपको याद रखें। बस मैं तो यही कहूँगा कि जिसका हक है वो उसको उसका हक दे दो, ताकि वो स्मूथली काम करे और अपना मेहनताना उसको मिलता रहे, तो वो क्यों लड़ेगा? जी बिल्कुल सही कहा आपने, आपकी जो हक की लड़ाई है वो निरंतर जारी रहेगी। श्यामलाल कॉलेज ने जो आपका स्वागत समारोह रखा है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो ये इनका प्यार है, ये साथी है हमारे, ये वो साथी है जिसके अंदर एससी एसटी ओबीसी जर्नल ये सभी साथी थे। अब बताओ गॉड है वो तो एससी नहीं है, है ना जी, और ओबीसी के साथी है वो तो एससी नहीं है, है ना जी, और जो एसटी है वो हमारे साथी है, जो एससी है वो भी हमारे साथी है, जो जो जनरल के वो भी हमारे साथी है, और जो ओबीसी के वो भी हमारे साथी है, सब हमारे साथी है, हम तो सबको अपना मान रहे हैं। हम तो ये कहते हैं सारे कर्मचारी हैं, उनकी जाति है क्या है, हम सबकी जाति क्या है, कर्मचारी जाति है हमारी, परंतु फिर भी अलग 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 जो कैडर है उसको उसको कैडर के हिसाब से उसका उसका हक उसको दे दिया जाना चाहिए, ताकि आपस में समन्वय बना रहे अथॉरिटी के बीच में और कर्मचारी के बीच में। बस हम वो समन्वय बनाने का प्रयास करेंगे, हम प्रयास करेंगे कि साथी को और अपनी अथॉरिटी को मिला के लेके चलें, जिससे कि सबका कार्य हो। बस मैं तो ये कहना चाहूँगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे मनोज सर जी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में SC ST यूनियन के प्रेसिडेंट बने हैं और श्यामलाल कॉलेज में कार्यरत हैं। देखते रहे युवा इन टाइम्स में, आपका दोस्त रोहित बिसाइया।